देखिए इस प्रश्न को हम तेजी में कैसे बनाते हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, इस तरीका का हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके सीटेट के एग्जाम में भी बस छोटा सा कैलकुलेशन रहता है इसी लेवल का, वो भी दे देता है। तो इसको लगता है तो बच्चा क्वेश्चन देख के डर जाता है, कोई डेट नहीं देखता है, 2 के पावर 20, 2 के पावर 20, 2 के पावर 20, यानी लगता है जैसे कैलकुलेशन आ गया, लेकिन कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में सोचना है, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें 2 के पावर 20 अगर इसमें से हम लोग कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 बचेगा, फिर ये बचेगा 1, फिर ये बचेगा 1, फिर ये बचेगा 1, यानी कि ये 4 टाइम 1। हम क्या किए, इस टोटल कैलकुलेशन से 2 के पावर 20 कॉमन ले लिए, तो 1 बचा, फिर 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा। अब इसको क्या करेंगे, ये 2 के पावर 20 ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी इंटू 4 हो गया। फिर ये क्या कर सकते हैं, इसको 2 के पावर 20 गुना, इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। जब 2 के पावर 2 लिख सकते हैं तो एक बेसिक हम लोग जानकारी पढ़े हैं पिछले क्लास में, a के पावर n गुना a के पावर n, तो क्या होता है, अगर बेस समान हो तो पावर जुट जाता है, तो a के पावर आपका हो जाएगा m+n, तो यानी ये दोनों पावर जुट जाएगा, तो 2 के पावर क्या आ जाएगा, 22, यही आपका आंसर का। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना करके देखिए आपसे बनता है या नहीं, और इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरीका से ये भी बनेगा कॉमन लेकर के, आप बना करके और इसका उत्तर देखते हैं किनका उत्तर सही होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।